मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू ऑर्गन्स होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं एंड कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं बट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रेंड्स हियर कैन सी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सचैसपेनिसक्राटम टेस्टिकल्स एंड एट इज अंटरनल ऑर्गन एपीडीडियम वेस्ट डिफरेंसेस डिफ्रेंसेज वेसिकल्स इजाकुलटरी डाक थोड़ेथरा एंड प्रोस्टेट गैन बट आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिस के बारे में स्क्रॉटम के बारे में एंड टेस्टिकल्स के बारे में जानेंगे सो लेट स्टार्ट फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मोस्ट ऑफ़ द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउट साइड ऑफ द बॉडी मोस्टली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो बॉडी के बाहर बॉडी के आउटसाइड जो होते हैं लोकेटेड होते हैं नेक्स्ट इज द ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस uh, होते हैं सच एज प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड स्पर्म यानी कि जो स्पर्म होता है मेल रिप्रोडक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये ये स्पर्म होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है प्रोड्यूस करता है जो कि इस क्या है एक रिप्रोडक्टिव uh, सेल है सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फ्लूड जो प्रोटेक्टिव फ्लूड होता है यानी कि uh, सीमेंट उसको सिक्रीट uh, करता है प्रोड्यूस करता है एंड नेक्स्ट इज टू डिस्चार्ज इस्पर्म विद इन द पैलवि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो इस्पर्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल वो क्या करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ, जो इस्पर्म है उसको डिस्चार्ज करता है नेक्स्ट इज टू प्रोड्यू टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट मेल सेक्स हारमोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोनस को सिक्रीट करते हैं नेक्स्ट इज The male reproductive anatomy includes internal and external structure. Male reproductive systems may some internal and kuch external structures, hai, such as external structure, penis, scrotum, and testicles, and internal organs, epididymis, vas deferens, seminal vessels, ejaculatory duct, urethra, and prostate gland. What we are discussing penis.

प्रजेंट होते हैं द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम सच एज एंड टेस्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिस और इज अ पेनिस पेनिस जो है द पेनिस इज मेल ऑर्गन मेल ऑर्गन होता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज होता है नेक्स्ट इज इट हैज थ्री पार्ट्स जो पेनिस के होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स बॉडी एंड ग्लेंस सो so फ्रेंड्स जो रूट्स होता है रूट्स जो होता है बॉल ऑफ द एबडमन से अटैच होता है नेक्स्ट इज बॉडी एंड थर्ड इज ग्लैंड फ्रेंड्स जो ग्लैंस होते हैं वो कौन सेप्ट होती है एंड ऑफ द पेनिस होता है एंड ग्लैंस uh, को ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ़ द पेनिस ग्लैंस को हम हेड ऑफ़ द पेनिस भी कहते हैं इज़ कवर्ड विद अ लूज लेयर ऑफ स्किन इस फॉर स्किन जो ग्लैंस होती है हेड ऑफ़ द पैनिस यानी कि जो हेड ऑफ़ द पैनिस है वो एक फ़ोर स्किन से कवर्ड होती है फॉर स्किन लेयर से कवर्ड होती है दिज स्किन इज समाइम्स रिमूव्ड इन अ प्रोसीजर कॉल्ड सरकम सीजन कुछ प्रोसीजर में क्या होता है कुछ प्रोसीजर में जो ये लेयर होती है स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं सरकम सीजन कहते हैं नेक्स्ट इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा जहाँ पे जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वहाँ -like से क्या एक uh, ट्यूब होता है ट्यूब लाइक होता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है सीमेन एंड यूरिन यूरेथ्रा से क्या ट्रांसपोर्ट होता है सीमेन एंड यूरिन और इज सीमेन सीमेन रिप्रोडक्टिव शल्स इस आर अ टिप ऑफ द गलैंस पेनिस जो यूरेथ्रा होता है वो कहाँ होता है ग्लैंस यानी कि जो ग्लैंस ग्लैंस का जो टिप होता है वहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है द दिनिस आल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ सेंसिटिव नर्व्स जो पेनिस होते हैं बहुत हो सारे सेंसिटिव नर्व्स को कंटेन uh, करते हैं नेक्स्ट इस द बॉडी ऑफ द पेनिसिकल जो पेनिस की बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल सेप की होती है एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री इंटरनल चैम्बर्स इसमें थ्री इंटरनल चैम्बर्स भी होते हैं दीज चैम्बर्स आर मेड ऑफ ये जो चैम्बर्स होते हैं फ्रेंड लाइक इरेक्टाइल टिश्यूज से बने हुए होते हैं दिस टिशू कंटेनर थाउजेंड ऑफ लार्ज इस्पेसिस थाउजेंड ऑफ लार्ज इस्पेस होते हैं जो कि ब्लड से फिल होता है एंड जब मेन में सेक्सुअल अराउज होता है जब सेक्सुअलिटी अराउज होती है तो जो पेनिस होता है वो ब्लड से फिल हो जाता है एंड वो रेजिड हो जाता है यानी कि इरेक्ट एकदम स्ट्रेट हो जाता है एंड इंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटर करने की परमिशन देता है नेक्स्ट इज द स्किन ऑफ द पेनिस जो पेनिस की स्किन होती है वो लूज होती है एंड इलास्टिक होती है जो कि अलाउ करती है पेनिस साइज ड्यूरिंग इरेक्शन जब इरेक्शन होता है तो उसके दौरान चेंज करने की परमिशन देती है नेक्स्ट इज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्क्रोटम सो फ्रेंड्स जो स्क्रोटम होता है वो लूज पाउच लाइक सैक होता है लूज पाउच लाइक सैक होता है स्किन का लूज पाउच लाइक सैक होता है जो कि पेनिस पेनिस के बिहाइंड लटका हुआ होता है हैंग होता है नेक्स्ट इस इट कॉन्टेन्स द टेस्टिकल्स स्क्रॉडम जो होते हैं वो टेस्टिकल को भी कंटेन करते हैं एज वेल एज मैनी नर्व इसमें बहुत सारी नर्व्स भी होती हैं छोटी छोटी नर्व्स भी होती हैं एंड ब्लड वेसल्स भी होते हैं एंड नेक्स्ट द स्क्रोटम हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड एक्ट एज अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो स्क्रोटम होता है फ्रेंड्स वो एज अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है टेस्ट के लिए फॉर द टेस्ट फॉर नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट दस्ट मस्ट वी मस्ट वी एट द टेम्परेचर स्लाइडली कूलर दैन द बॉडी टेम्परेचर फ्रेंड्स ये क्लाइमेट कंट्रोल की तरह वर्क क्यों करता है बिकॉज उन्हें नॉर्मल रिस्प डेवलपमेंट के लिए बॉडी के कूलर टेम्परेचर से थोड़ा कूलर uh, टेम्परेचर से थोड़ा कूलर और ज़्यादा कूलर होने की नीड होती है इसलिए जो स्क्रॉट होता है वह एज अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है नेक्स्ट इज टेस्टिकल्स फ्रेंड्स जो टेस्टिकल्स होता है वो ओवल ऑर्गन होता है एंड अबाउट द साइज अ वेरी लार्ज जो इसका साइज होता है वो लार्ज होता है सच सचस ऑलि जो, जो सेप होता है उस साइज़ का होता है दैट लाइन द स्क्रॉटम जो कि स्क्रॉटम में रहता है टेस्टिकल्स एंड सिक्योर्ड जो सिक ये सिक्योर्ड फ्रेंड्स कैसे होता है जो टेस्टिकल्स होता है वो स्पर्मेटिक कोड के थ्रू स्क्रॉटम में सिक्योर्ड लोकेटेड होता है जो स्पर्मेटिक कोड होती है इसके थ्रू इस इसक्रेट कोड्स के थ्रू स्क्रॉटम में सिक्योर लोकेटेड होती है नेक्स्ट मोस्ट मैन है टू टेस्टिस मोस्टली जो मेन उन है उनमें जो है मैन uh, में टू टेस्टिस प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट द टेस्टस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेस्टर फ्रेंड्स जो टेस्टर हारमोन होता है उसको उसको मेक करने में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट द प्राइमरी मेल सेक्स हारमोन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पम जो स्पम को प्रोड्यूस करता है विदिन द टेस्ट आर कार्ल मसस ऑफ ट्यूब्स कार्यस ट्यूबल जिसे हम सैमनीफेरबुल्स भी कहते हैं नेक्स्ट इज दीज ट्यूबल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स ये जो ट्यूबल्स होते हैं ये स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इस प्रोसेस को फ्रेंड्स स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो